बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अभिराम शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारने को फैसला लिया गया था, लेकिन अब बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू ने जहानाबाद सीट से अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया। बदल गया बीजेपी मुख्यालय का पता, अशोक रोड से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग हुआ नया हेडक्वार्टर, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। बिहार के मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए बीएसईबी का अजीबोगरीब फरमान, 21 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षा में जूते मोजे पहनकर न आने का निर्देश, स्लीपर पहनकर देनी होगी परीक्षा। नालंदा में मैट्रिक परीक्षा के दौरान तनाव रहित और खुशनुमा माहौल में परीक्षा देने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जिले के 4 परीक्षा केंद्र को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया है। इसका प्रयोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से छात्राओं के सेंटर से किया जा रहा है। पटना के चैंबर ऑफ कॉमर्स में दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर लोकतांत्रिक न्याय मंच की ओर से राज्य स्तरीय परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू विधायक श्याम रजक बतौर मुख्य अतिथि समेत कई लोग शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने सुपौल में एनडीए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही उपचुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित होने की बात कही। गया के गांधी मैदान में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी समेत कई पूर्व मंत्रियों ने हिस्सा लिया। पटना में 2 दिनों तक चले सहकार भारती के कार्यकारिणी की बैठक समाप्त, समापन सत्र में कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बिहार में सहकारिता के लिए 1523 करोड़ रुपए स्वीकृत होने की बात कही। छपरा में जेपीयू छात्र संघ के चुनाव की तैयारी पूरी, जिला मुख्यालय से तपीसी विज्ञान महाविद्यालय में सफेद मतपत्र पर होगा चुनाव, 4000 से ज्यादा छात्र करेंगे वोटिंग, पहली बार हो रहे चुनाव को लेकर जेपीयू तैयार। बेंगलुरु के काशोनली में निर्माणाधीन इमारत गिरने से सिवान के 3 मजदूरों की मौत और 9 लोग घायल, घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों का रू होकर बुरा हाल। समस्तीपुर के पटेल मैदान में 1 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया है। मेले में कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, इस मौके पर काफी संख्या में किसानों की उपस्थिति देखी गई। बिहार मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन की टीम चैंपियनशिप में हिस्सा लेने बेंगलुरु जा रही है, 5 दिवसीय चैंपियनशिप के लिए 46 सदस्यीय टीम रवाना की गई। लखीसराय के जैतपुर दियारा में एसटीएफ और अपराधियों के बीच घंटों मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में कई अपराधियों को गोलियां लगी हैं, वारदात के बाद पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। बांका में सिंचाई कॉलोनी में चाय दुकान को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई, बताया जाता है कि अनमोल राय नाम का परिवार कई सालों से चाय की गुमटी चलाता है, दुकान के लिए राजीव राय और उसके गुर्गे उससे जबरन पैसे की मांग करते हैं। छपरा में शराब के लिए पैसा नहीं देना एक जवान को महंगा पड़ा, बदमाशों ने सेना के जवान की पिटाई कर दी, इसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया, घायल जवान को तरैया रेफरल अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। पटना में 3 तलाक बिल के विरोध में सड़क पर उतरी मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक बिल का विरोध कर रहा है, सैकड़ों पुरुष महिलाओं का मौन जुलूस। रेलवे के ग्रुप डी में बहाली में आईटीआई की मान्यता लागू करने के साथ उम्र सीमा घटाने की मांग को लेकर भारतीय छात्र युवा संघर्ष मोर्चा ने समस्तीपुर में हंगामा किया, सैकड़ों छात्रों ने दरभंगा पटना मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। वैशाली में पुराना गंडक पुल की रंगाई के दौरान पुल से गिरने पर एक मजदूर की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने हाजीपुर सोनपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है, मामला नगर थाना क्षेत्र के जौहरी बाजार का है। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार कार ने बच्चे को रौंदा, मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया, मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष को बंधक बनाया। छपरा के परसा में संतुलन खोने से दाल से लदी पिकअप वैन पेड़ से टकरा गई, हालांकि ड्राइवर और वैन में बैठे 3 लोगों को कोई चोट नहीं आई है, घटना NH 73 की है। अररिया के खरहट में सड़क हादसे में होमगार्ड जवान सदानंद पासवान की मौत हो गई और एक घायल हो गया, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। वैशाली के हाजीपुर में खेत से बंधा एक बोरे में युवक की लाश पुलिस ने बरामद की। सुपौल में भी एक बुजुर्ग का पेड़ से लटकता शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है, आम के बगीचे में 55 साल के बुजुर्ग की लाश मिली, जिसकी पहचान करने के लिए पुलिस जांच में जुट गई। दरभंगा में भी पेड़ से 25 साल के युवक का लटकता शव बरामद हुआ है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है, घटनास्थल से कुछ दूरी पर पुलिस ने बाइक भी बरामद की। भागलपुर के मुक्तापुर गांव में सद्भावना कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, इस टूर्नामेंट में बिहार और झारखंड की 16 टीमों ने हिस्सा लिया, पूर्व में महेंद्र सिंह धोनी भी खेल चुके हैं ये टूर्नामेंट। बरियारपुर प्रखंड के कल्याणपुर रेलवे मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ गया, एक तरफा मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने श्रीलंका को 157 रनों से हरा दिया।
बगहा के रामनगर में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये कवि सम्मेलन कौमी एकता और सामाजिक सौहार्द पर आधारित था, जो होली पूर्व मिलन और भाईचारे का संदेश दे रहा था। बाढ़ में ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा मॉकड्रिल आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को आग लगने के दौरान रेस्क्यू होने के तरीके बताए गए। इस मौके पर मोबाइल कंपनी के कई कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। सिवान में ऑर्गेनिक खेती पर बेहतर उत्पादन करने वाले किसानों के सामने कोल्ड स्टोर की समस्या जस की तस खड़ी है। दलालों द्वारा इनकी सब्जियों को औने पौने दामों में खरीद लिया जाता है, जिससे किसान दुखी हैं। बाढ़ में नाबालिग बच्चों के ई रिक्शा चलाने से सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ स्टेशन से कचहरी और सदर बाजार इलाकों में करीब 500 से ज्यादा ई रिक्शा चलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चालक नाबालिग हैं और आए दिन ये बच्चे तेज रफ्तार से ई रिक्शा चलाते हैं, जिससे हादसे होते रहते हैं। नालंदा में शादी समारोह में चली गोली, दूल्हे का पिता हुआ घायल, गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर। भागलपुर में दो गुटों में गोलीबारी की गई है, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। सभी को मायगंज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लोदीपुर थाना के बसंतपुर सासाराम में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब भट्टी का खुलासा किया। इस दौरान शराब बनाने के उपकरण और विदेशी शराब भी बरामद किए गए, हालांकि इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। जहानाबाद जिला के हुलासगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की है। पंजाब से तस्करी कर कार से लाई जा रही थी शराब, कुख्यात शराब तस्कर गोपाल को भी किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। गया में पुलिस की तत्परता से बीती देर रात पुलिस को शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने करीब एक ट्रक विदेशी शराब बरामद किया है। चतरा में 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन, सीएम रघुवर दास उद्घाटन करेंगे कार्यक्रम का। 3 दिनों तक चलेगा महोत्सव, 21 फरवरी को होगा समापन। 33वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव यूनिफेस्ट 2018 का चौथा दिन 85 यूनिवर्सिटी के छात्र महोत्सव में शामिल, खेलगांव में हो रहा है आयोजन। चारा घोटाला में लालू यादव की नहीं कम हो रही मुश्किलें, डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट में होगी पेशी। डोरंडा मामले में सीबीआई की ओर से गवाहों की हो रही है गवाही। चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस के बूथ स्तरीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी मयूर शेखर झा, बूथ स्तरीय समस्या पर की गई समीक्षा। आरजेडी प्रदेश कार्यालय में युवा प्रकोष्ठ की बैठक हुई, संगठन के विस्तार को लेकर की गई चर्चा। लालू प्रसाद यादव के संदेश पत्र को गांव गांव तक पहुंचाने को लेकर भी हुई बात। राजधनवार हाई स्कूल मैदान में झाविमो के गिरिडीह और कोडरमा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, ढोल नगाड़े के साथ नारेबाजी करते हुए सभास्थल पर पहुंचे कार्यकर्ता। सम्मेलन में पार्टी की मजबूती और एकता मिशन 2019 पर चर्चा की। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने केंद्र सरकार से कहा कि वो अपने काम पर ध्यान दें, ना कि किसी की आलोचना करें। उन्होंने कहा कि ऐसा शासन दीजिए कि लोग कांग्रेस को भूल जाएं। अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद की रांची में बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर सरकार से मांग की गई कि 2021 की जनगणना में धर्म कोड कॉलम आवंटन किया जाए। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने को लेकर रघुवर सरकार प्रतिबद्ध, सीएम ने राज्य किसान सम्मेलन मेले में किसानों को वैज्ञानिक तरीके से उन्नत खेती करने की सलाह दी है। लाह उत्पादन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। बीजेपी के बूथ स्तरीय सम्मेलन में लाल झंडे को निरसा से सफाया करने की घोषणा पर निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने खुलेआम चुनौती दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी निरसा में कमल फूल खिलाने का सपना छोड़ दे। अरूप चटर्जी ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास जो सीट है उसे भी वो बचा नहीं पाएगी। गोड्डा के बीजेपी विधायक अमित मंडल पुलिस से उलझ गए, अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे। विधायक ने पुलिस पर वसूली का आरोप लगाते हुए पुलिस वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई। और फिलहाल बुलेटिन में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आपकी पसंद पर फिर खरा उतरा जी बिहार झारखंड, लगातार 58वें हफ्ते आपने बनाया हमें नंबर वन। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर हमारा।
कवरेज में सबसे आगे हम। गांव से शहर तक हर जगह नंबर वन, आपका अपना चैनल जी बिहार झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। जामताड़ा नगर निकाय चुनाव में आरजेडी मिहिजाम और जामताड़ा में अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। जामताड़ा में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया है। जामताड़ा जिलाध्यक्ष दिनेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा की। पलामू में बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने छतरपुर थाना क्षेत्र के उदयगढ़ बालू घाट से बालू से लदे 6 ट्रैक्टर को जब्त किया है। छापेमारी के दौरान 3 ट्रैक्टर चालक भी गिरफ्तार किए गए। पुलिस की इस कार्रवाई से बालू माफिया में हड़कंप है। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के स्वासपुर में बन रहे ट्रेनिंग सेंटर काम करने वाले मजदूरों को समय से नहीं मिल रही मजदूरी। ठेकेदारों के खिलाफ मजदूरों ने काम करने से किया इंकार। मजदूरी की मांग को एक सप्ताह से हड़ताल पर है मजदूर। सरायकेला में अलग अलग दो सड़क दुर्घटना में 9 लोग घायल। घायलों में 2 महिला और 1 बच्चा शामिल। सभी का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। छतरा के खलारी में पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से 2 बच्चे और 1 महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में परिजन शव उठाकर वहां से भाग गए। लातेहार में बरवाडी छिपा दोहर के बीच मालगाड़ी की चपेट में आने से पेट्रोलिंग मैन कृष्ण कुमार की मौत हो गई है। इससे गुस्सा रेल कर्मियों ने PWI कार्यालय में हंगामा किया। दुमका में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपए का ऋण लेकर अपना छोटा सा कारोबार शुरू करने वाले समर मंडल ने इसलिए अपनी जान दे दी क्योंकि वो ऋण की रकम चुकाने में असमर्थ था जिस बैंक से उस युवक ने ऋण लिया था। उस बैंक से लगातार नोटिस जारी किया जा रहा था। लातेहार चंदवा रेलवे GM ऑफिस के पीछे लकड़ी के गोदाम में लगी आग पर काबू पाया गया। आगजनी के दौरान होमगार्ड के जवान ने तत्परता दिखाते हुए फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। पाकुड़ के बस स्टैंड में SDO जितेंद्र कुमार देव ने शौचालय रिपेयरिंग के काम का जायजा लिया। दरअसल शिकायत मिली थी कि शौचालय रिपेयरिंग में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। सारंडा में चल रहे महापुराण ज्ञान यज्ञ में जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के कथा वाचन को सुनने के लिए भक्तों की भीड़। 22 फरवरी तक चलेगा यज्ञ। परम पूज्य शंकराचार्य हजारीबाग पहुंचे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान यशवंत सिन्हा के घर में रहेंगे और कत्काम संधि में होने वाले यज्ञ में प्रवचन देंगे। देमोतंद में हो रहे महायज्ञ में भी शामिल होंगे। जमशेदपुर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों पर CCTV के जरिए नजर रखेगी और उसके बाद उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। चतरा में जनवितरण प्रणाली में दुकानदार सरकारी नियमों की अनदेखी कर गरीबों को सड़ा अनाज दे रहे हैं। इस मामले को जी मीडिया ने गंभीरता से लेते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा में भिलाड़िया गांव के लोग आज भी नदी का पानी पीने को मजबूर हैं। कहने को गांव में चापाकल तो है लेकिन उसमें गंदा पानी आता है जिसकी वजह से ग्रामीण नदी का पानी पीते हैं। लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को इसकी शिकायत की लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। देवघर में ऑटो चालकों की मनमानी और पार्किंग के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। एक तरफ ऑटो की बढ़ती तादाद से पुलिस परेशान है। गढ़वा में खेल में 2 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। दरअसल दोनों बच्चे खेल में लाइट जलाने के लिए पेंसिल बैटरी और मोबाइल बैटरी को एक तार के माध्यम से जोड़ रहे थे कि अचानक मोबाइल की बैटरी गर्म हो गई और ब्लास्ट हो गई। अंडर-19 क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर और सर्वाधिक विकेट लेकर बेस्ट बॉलर का खिताब जीतने वाले अनुकूल रॉय को चाईबासा के बिरसा स्टेडियम में सम्मानित किया गया। सिमडेगा जिले में पहली बार रात में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। अल्बर्टेक का स्टेडियम में दूधिया रोशनी में ये टूर्नामेंट हो रहा है। सिमडेगा के उपायुक्त ने इसका उद्घाटन किया। टूर्नामेंट में ओडिशा, बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चौपारण के चोरदाहा में पुलिस ने मवेशी से लदे एक कंटेनर को किया जब्त। साथ ही 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। मवेशी को यूपी से बंगाल ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। दुमका में शिव पहाड़ चौक के पशु अस्पताल के सामने शनिवार की शाम सरेआम होमगार्ड जवान विमल मरांडी की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी थी। होमगार्ड जवान के परिजनों और स्थानीय लोगों ने हथियारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया। दुमका में JCB की रखवाली कर रहे 2 लोगों की गला काटकर हत्या। शिकारीपाड़ा थाना के शंकरपुर गांव की घटना। जांच में जुटी है पुलिस।
पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड में साफ सफाई अभियान के दौरान महिलाओं ने शराब तस्करों के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ दिया है। दरअसल यज्ञ मैदान और उसके आसपास सफाई के दौरान महिलाओं को पता चला कि यहां बनी झोपड़ियों में शराब बेची जाती है। डोकलाम में चीन पर काबू करने के लिए तैयारी भारत की हो रही है। दो हफ्ते पहले भूटान गए थे सेनाध्यक्ष विपिन रावत। जनरल विपिन रावत के साथ एनएसए अजीत डोवल और विदेश सचिव विजय गोखले भी साथ थे। रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा। डोकलाम दौरे से पहले भारत के तीन आला अधिकारियों की भूटान के सर्वोच्च नेतृत्व से मुलाकात हुई है, हालात पर बातचीत की। पीएम मोदी का पूर्व की मनमोहन सरकार पर वार, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने के बावजूद घोटालों से बिगड़ी छवि। मैग्नेटिक महाराष्ट्र समिट में बोले पीएम मोदी, पिछले साढ़े तीन साल में 1400 से ज्यादा कानून निरस्त किए गए। मुंबई में पीएनबी की ब्रांडी हाउस ब्रांच में पूरी रात चली छानबीन, सीबीआई अफसरों ने बैंक के छह अधिकारियों से पूछताछ की। सीबीआई उन दस्तावेजों की जांच कर रही है जिनमें स्विफ्ट अकाउंट के सिग्नेचर अथॉरिटी और फंड ट्रांसफर की जानकारी। पीएनबी मांग घोटाले में पांच राज्यों के 26 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हो चुकी है। ईडी का देशभर में 45 जगहों पर छापा। 200 फर्जी कंपनियों और बेनामी संपत्तियों में पैसे रफा दफा करने का शक, ईडी और आईटी विभाग ने जांच शुरू की। ईडी ने 20 करोड़ रुपए का सोना और हीरा जब्त किया। पीएमएलए कानून के तहत दो दर्जन संपत्ति कुर्क करने की तैयारी। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने दोहराया बयान, कहा कश्मीर पर बातचीत ही आखिरी रास्ता। अनंतनाग जिले में बोली महबूबा मुफ्ती, मुझे अमन दीजिए, मैं बातचीत की कोशिश जारी रखूंगी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, करमाड़ा में गोलीबारी का भारत ने भी जवाब दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला, दो जवान शहीद, दो नागरिकों की भी मौत। सड़क बनाने के दौरान नक्सलियों ने फायरिंग की है, घात लगाकर पुलिस बल पर हमला किया। दिल्ली से ग्वालियर के लिए गतिमान एक्सप्रेस आज से 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी रफ्तार, विमान जैसी सुविधा। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर, पेट में इंफेक्शन, मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुए भर्ती। मनोहर पर्रिकर का हाल पूछने पीएम मोदी भी पहुंचे, पहले गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती थे। मनोहर पर्रिकर को कैंसर होने की बात अफवाह, मुंबई के लीलावती अस्पताल ने प्रेस रिलीज कर खंडन किया। गोवा विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा, सीएम पर्रिकर मौजूद नहीं रह पाएंगे। गुजरात में दलित एक्टिविस्ट के आत्मदाह के विरोध में प्रदर्शन, जिग्नेश मेवाणी समेत 100 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। यूपी सरकार ने जारी किया रंगोत्सव का कार्यक्रम, 23 और 24 फरवरी को मथुरा में रहेंगे सीएम योगी। पहले T20 मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 28 रन से हराया, तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग की, 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाए, जवाब में साउथ अफ्रीका 175 रन पर सिमटी। गुरुग्राम में आयोजित की गई व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता फाइनल मुकाबले में यूपी ने दिल्ली को हराया।